कहते हैं कि राजनीति में जब तक मतलब होता है तभी तक वो आपका खास होता है। एक बार मतलब निकला तो फिर राजनेताओं को वो कहाँ याद रहता है, इस लाइन पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता देता हूँ जालौर विधानसभा सीट की अपडेट। जालौर से भाजपा प्रत्याशी जोगेश्वर गर्ग ने अपने समर्थकों के साथ आज अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले बागोड़ा मार्ग पर एक सभा का आयोजन हुआ जिसमें कई वक्ताओं ने संबोधित किया। कई भाजपा पदाधिकारियों ने अपनी बात रखी और जालौर से भाजपा को जिताने की अपील की। सभा के अंत में प्रत्याशी जोगेश्वर गर्ग ने संबोधित किया। चार बार जालौर के विधायक रहने के दौरान करवाए गए आधे अधूरे कार्यों को उपलब्धि बताते हुए गिनाया। भविष्य में जवाई बांध का पानी जवाई नदी में छुड़वाने का कार्य करने का वादा किया। सहानुभूति लेने के लिए यह भी कहा कि उनका यह अंतिम चुनाव है, पर विधायक रूप में सेवा करो और सिर्फ वो पहुंच साधो रहा आखिरी मौको है, अन्य बाद में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, सब रहा मैं कह रही हूं। खैर यह तो हुआ अपडेट, अब बात करते हैं आज के उनके नामांकन कार्यक्रम में जो बात सबसे ज़्यादा नोटिस की गई उसकी। जैसा कि मैंने खबर की शुरुआत में कहा था कि राजनीति में जब तक मतलब होता है तभी तक वो आपका खास होता है। एक बार मतलब निकला तो फिर राजनेताओं को कहाँ वो याद रहता है। गत 2018 के विधानसभा चुनाव में भी जोगेश्वर गर्ग को भाजपा ने टिकट दिया था। उस दौरान एक व्यक्ति ने जोगेश्वर गर्ग के साथ हर पल कंधे से कंधा मिलाकर उनको जीत दिलाने में अहम रोल निभाया था। वो व्यक्ति थे भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष भभूतराम जी सोलंकी। जालौर की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले भभूतराम सोलंकी उस समय चुनाव से पहले जोगेश्वर गर्ग से नाराज चल रहे थे, लेकिन जोगेश्वर गर्ग को ये पता था कि बिना भभूतराम सोलंकी के वो जालौर शहर से लीड नहीं ले सकते। उसे देखते हुए जोगेश्वर गर्ग ने उनको मनाकर साथ किया, तो फिर भभूतराम सोलंकी ने भी सारे गिले शिकवे भूलकर तन मन के साथ जोगेश्वर गर्ग का साथ दिया और कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत की। नतीजा जोगेश्वर गर्ग जीत सके। लेकिन अब 2023 के चुनाव में जब जोगेश्वर गर्ग को एक बार फिर भाजपा ने टिकट दिया, स्थितियां बिल्कुल साल 2018 जैसी ही थी। नामांकन दाखिल करने की सभा थी, जोगेश्वर गर्ग का भाषण था, समर्थक थे लेकिन नहीं थे तो बस भभूतराम सोलंकी। गौर करने वाली बात तो यह हुई कि गत चुनाव में जिस व्यक्ति ने उनके साथ दिन रात मेहनत की थी, जोगेश्वर गर्ग ने उनको याद तक नहीं किया। आपको बता दें कि भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष भभूतराम सोलंकी का कोरोना काल में निधन हो गया था। गर्ग ने एक बार भी भभूतराम सोलंकी का नाम तक नहीं लिया। इसलिए तो कहते हैं कि राजनीति में जब तक मतलब होता है तभी तक वो आपका खास होता है। एक बार मतलब निकला तो फिर राजनेताओं को कहाँ याद रहता है। इसके अलावा गर्ग ने अपने चार बार के कार्यकाल में करवाए गए कार्यों में महज सीवरेज और नर्मदा जैसे अधूरे कार्यों को स्वयं की उपलब्धि बताया और भविष्य में जवाई बांध के पानी को जवाई नदी में छुड़वाने का सपना दिखाया। एक और बात जो आज के इस कार्यक्रम में देखी गई वो थी गत 2018 के विधानसभा चुनाव में जो बात जोगेश्वर ने कही थी वही आज भी कही गई। सबसे पहले साल 2018 में उनकी कही बातों को सुनते हैं। किसी को मेरे में कोई कमी नजर आती हो, कोई भूल चूक पहले के क्या 29 साल हो गए काम करते हुए, 29 साल हो गए काम करते हुए, कई खतरे मीठे अनुभव रहे होंगे, किसी के साथ किसी से बदतमीजी हुई होगी, किसी को नाराज किया होगा, तो उस सारे उस पानी आपको दबा के और अब ये 7 दिसंबर की शाम 5 बजे तक तो आपको यही कहना है कि बहुत उठ रहा है। शिकायत बाकी हो, पुराना हिसाब किताब बाकी हो, 7 दिसंबर 5 बजे बाद आ जाना, यह अच्छी मत है, आप पूरा हिसाब कर दो। अब आज के इस कार्यक्रम में कई बातों को सुनो। उड़बा है, ओड़बा है, यह छाती मत है, ओड़बा भी यह छाती मत है, नाराज की भी यह छाती मत है, सब कुछ है, पर 25 दिन तक 25 तारीख तक वे सब ओड़बा बेड़ा करें पोर्ट को बोधन ऊपर में लो और 25 तारीख के बाद वे पोर्ट को खोला जो मैं अपनी सेवा में हाजिर हूँ, जो कोई वे को काम करूँगा दापेंद करूँगा सब काम करूँगा, आपने वही जो आपने अर्ज करवाने हाथा जोड़ी करवाने हाजिर हूँ कि अण एक बार जोरदार आशीर्वाद दे रहा हो, भरपूर आशीर्वाद दे रहा हो। दोनों में एक ही बात, गिले शिकवे भूलो और चुनाव के बाद कहना। कईयों ने साल 2018 के चुनाव में भी यही बात सुनकर आपका साथ दिया था, फिर 5 साल उनकी बातें सुनना तो दूर, मिले तक नहीं, और आज फिर वही बात,
इस बार तो आपने भी बोल दिया कि यह अंतिम चुनाव है। धन्यवाद।